प्रदेश भर में मनाया गया पूनम अंकुर छाबड़ा का जन्म दिवस। संपूर्ण राजस्थान में शराबबंदी को लेकर संघर्ष कर रही पूनम अंकुर छाबड़ा का आज प्रदेश के कई जिलों में जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूनम अंकुर छाबड़ा के तत्वाधान में जयपुर में वृक्षारोपण किया गया, मजारों पर चादर चढ़ाई गई, अनाथ गरीब बच्चों को फल वितरण किए गए। गौरतलब है कि पूनम अंकुर छाबड़ा ने अपना जन्मदिवस जयपुर के एक होटल में सेलिब्रेट किया और रक्तदान का भी आयोजन किया गया। पूनम अंकुर छाबड़ा ने अपना रक्तदान करके शिविर की शुरुआत की। इसी के दौरान पूनम अंकुर छाबड़ा ने मीडिया से रूबरू होते कहा कि शराब को लेकर कोर्ट का जो फैसला आया है उसका दिल से स्वागत करती हैं। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, बात आधी साबित हो गई है, जल्दी पूरी भी हो जाएगी। जब संपूर्ण राजस्थान शराब मुक्त हो जाएगा। जयपुर से जीतराम बोर्डर की रिपोर्ट। जनजागरण राजस्थान में बहुत ज्यादा हो रहा है, आने वाले एक साल में राजस्थान में शराबबंदी के लिए आपको बहुत बड़े बड़े कदम देखने को मिलेंगे। छाबड़ा साहब को जो अपना था शराब मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान का, आने वाले एक साल में सरकार मजबूत हो जाएगी, राजस्थान में शराबबंदी लागू करेगी। देखिए, मैं यही साफ तौर पर हमेशा कहती हूँ और आज भी यही बात कहूँगी कि हमारा संगठन गैर राजनीतिक तरीके से काम करता है और हमेशा गैर राजनीतिक तरीके से काम करता रहेगा। हमारा संगठन, हम लोगों का राजनीति आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। छाबड़ा साहब का मुद्दा ही नहीं बचा है राजनीति में आने के लिए। उनका खून होकर हम राजनीति करेंगे तो हमसे गया गुजरा कोई भी नहीं है। छाबड़ा साहब जिन कदमों पे चल रहे थे, जिस गांधीवादी आंदोलन को साफ सुथरे तरीके से लेके चल रहे थे, उसी को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। जब तक राजस्थान में शराबबंदी नहीं होगी गैर राजनीतिक तरीके से, और जो लोग हमारे साथ राजनीति भी करेंगे इस संगठन में रहकर, हम उनको हमारे संगठन से भी भाग लेकर देखिए तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। मैं ये कहूँगी कि बेस्ट जो कैंडिडेट होगा, अगर आप मेरी वोटिंग की बात करेंगे कि मैं किसको वोटिंग दूंगी, तो वो यही होगा कि जो बेस्ट कैंडिडेट होगा, जो जनता का भला करेगा, उसी को हमारी वोटिंग जाएगी। रायपुर के कोडागांव किसान दयाराम साहू की जमीन को प्रशासन ने जबरन कब्जा कर लिया, जिसका विरोध करने पर उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ना से दुखी होकर दयाराम ने अपने आप को आग लगा ली, जिससे उनका शरीर पूरी तरह जल गया। उनका इलाज रायपुर के एक अस्पताल में चल रहा था, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने हाईवे जाम किया। ब्रजनारायण साहू की रिपोर्ट।